नहीं दिया, और जब भाड़ा मांगा तो नौटंकी करता था, लात मार के भगा दिया और पूरा सामान पर कब्जा कर लिया। तो भाई लोगों, ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए देने पर पछताए लखनऊ टीम के मालिक गोयनका, बोले थोड़ा ज्यादा ही पैसा दे दिए। क्या है यह पूरी इंटरेस्टिंग खबर इस खास वीडियो में देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। वेल, मेरा नाम है रजनीश, मेरी मुलाकात बार बार होगी। दोस्तों, IPL 2025 का ऑक्शन खत्म हो चुका है। पूरी 10 टीमों ने इस ऑक्शन में अपने स्क्वाड को पूरा कर चुकी है। इस ऑक्शन में सारे रिकॉर्ड सुध्वस्त हो गए, खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा, कई खिलाड़ी उम्मीद से ज्यादा, ऐसे खिलाड़ी थे जितना पैसा मिलना चाहिए उससे कम पैसा मिला, कई बड़े नाम अनसोल्ड रहे और कई का करियर इस ऑक्शन में बर्बाद हो गया। पृथ्वी शाह, मयंक अग्रवाल, नवदीप सैनी जैसे ये बड़े खिलाड़ी IPL ऑक्शन 2025 में अनसोल्ड रहे। वहीं इस IPL 2025 मेगा ऑक्शन में तीन ऐसे खिलाड़ी थे जिन पर खूब पैसा बरसा। ये तीन नाम ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर का है। ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, वहीं दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। पंत को 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने खरीदा। वहीं श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स की टीम ने अपनी टीम में खरीद कर शामिल किया। दोस्तों, IPL 2025 मेगा ऑक्शन खत्म होने के बाद पंत को लेकर संजीव गोयनका, जो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के मालिक है, उनका बड़ा बयान आया। उनका मानना है कि वह पंत को थोड़ा ज़्यादा ही पैसा खर्च कर दिए। पूरा मामला ऐसा है, नीलामी के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 20.75 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, तभी ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल की टीम वापस लाने के लिए RTM कार्ड का इस्तेमाल कर दिया। संजीव गोयनका LSG फ्रेंचाइजी पूरे 6.25 करोड़ रुपए बढ़ाते हुए सीधे 27 करोड़ रुपए की बड़ी बोली लगा दी और दिल्ली कैपिटल मैनेजमेंट ने हाथ खींच लिया और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम यहां पर बाजी मार लेती है और 27 करोड़ रुपए मोटी रकम देकर ऋषभ पंत को खरीद ली। लेकिन मीडिया के सामने बातचीत के दौरान संजीव गोयनका ने कहा, मैंने ऋषभ पंत को अपनी लिस्ट में रखा था उसे खरीदने के लिए, लेकिन 25 से 26 करोड़ रुपए ही खर्च करना चाहते थे, लेकिन 1 करोड़ रुपए ज्यादा लग गया। मैंने ऋषभ पंत को खरीद कर पूरी फ्रेंचाइजी काफी खुश है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय देकर जरूर जाइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट न्यूज में। जय हिंद।